मैं आज आया हूँ फैशन शो अटेंड करने और दूसरी साइड पर शेर अफजल मोहम्मद भी यहाँ पर मौजूद है। इस्लामाबाद में ये फैशन इवेंट हो रहा है, अपना प्रोजेक्ट डिस्प्ले भी करना होता है, तो यहाँ पर सारे मॉडल्स रेडी भी हो रहे हैं। बच्चों ने रैंप पर जाकर किस तरह परफॉर्म भी करना है और ये जो इनके ड्रेसेस हैं वो किस तरह शोकेस करने हैं। मोस्टली इनमें बच्चे ही हैं और ये है कि बट दे आर रेडी टू वॉक ऑन अ रैंप एंड दे आर कॉन्फिडेंट इनफ कि वो शोकेस करें। अस्सलामु अलैकुम, मैं आज आया हूँ फैशन शो अटेंड करने। मुझे निफ्टी इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर इनवाइट किया है और ये इस्लामाबाद में ये फैशन इवेंट हो रहा है। बेसिकली ये फ्यूजन है टक्सीडो और ट्रक आर्ट का। निफ्टी इंस्टीट्यूट की ये डिग्री की भी रिक्वायरमेंट है, जो स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं फैशन डिज़ाइनिंग में उनको यहाँ पर फाइनली आकर अपना प्रोजेक्ट डिस्प्ले भी करना होता है। मॉडल्स ने रैंप पर वॉक भी करनी होती है, तो मैं आपको ये सारे का सारा आज का इवेंट भी दिखाता हूँ और बैक स्टेज जो कुछ हो रहा है, मेकअप आर्टिस्ट क्या कर रहे हैं, कौन सी मॉडल्स रैंप पर वॉक कर रही हैं, वो भी आज सारे का सारा आप इस वीडियो में देखेंगे। आप जब भी कोई इवेंट देखते हैं रैंप पे मॉडल्स वॉक कर रही होती हैं तो उसका एक पर्सपेक्टिव तो आपको ज़रूर नज़र आता है, समझ आती है, मगर बैक स्टेज क्या कुछ हो रहा होता है उसका आइडिया नहीं होता। तो मैं आपको बैक स्टेज भी दिखाता हूँ और इस इवेंट के पीछे जो एफर्ट्स हो रहे होते हैं वो भी आपको इसमें नज़र आएंगे। अभी थोड़ी देर में यहाँ पर ये फैशन शो शुरू होने वाला है और यहाँ पर आपको रैंप पे मॉडल्स नज़र भी आएंगी। उससे पहले मैं आपको विज़िट कराता हूँ जो बैक स्टेज जहाँ पे मेकओवर भी हो रहा है और साथ साथ जो मॉडल्स ड्रेसअप भी हो रही हैं। अच्छा, ये आपने बैक स्टेज देखा जहाँ पर मेकओवर हो रहा है और स्टाइलिंग वगैरह है, और उसके साथ जैसे आप दूसरे इसके बिल्कुल स्टेज के बिल्कुल बैक पे आते हैं तो यहाँ पर सारे मॉडल्स रेडी भी हो रहे हैं। मैडम बताइएगा इस इवेंट के बारे में। बेसिकली इवेंट्स हम लोगों ने ट्रक आर्ट कल्चर को रिप्रेजेंट किया है ताकि स्टूडेंट्स को एक तो अपने जो कल्चर है उससे रिलेटेड अवेयरनेस हो। वो जब हिस्ट्री के ऊपर रिसर्च कर रहे थे तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा इससे रिलेटेड मालूमात मिली हैं। सेकेंडली जो है हम लोगों ने इससे वेस्टर्न जो टक्सीडोज हैं फ्रेंच कल्चर उसे इन्हेंस करने की कोशिश की है कि वो हम लोग ईस्टर्न वेयर के साथ किस तरह से कम्बाइन करके लेके जा सकते हैं। ये सारे के सारे जितने ड्रेसेस इन्होंने रेडी किए हैं ये सारे के सारे इंस्टीट्यूट में रेडी किए हैं। ये सारे इंस्ट्रक्टर्स भी हैं जो इंस्टीट्यूट में बच्चों को पढ़ाते भी हैं और यहाँ पर अब ये रैंप के लिए उनको तैयार भी कर रहे हैं। हेड ऑफ डिपार्टमेंट मैडम सिद्रा इनको गाइड भी कर रही हैं और प्रिपेयर भी कर रही हैं कि जिन्होंने इन बच्चों ने रैंप पर जाकर किस तरह परफॉर्म भी करना है और ये जो इनके ड्रेसेस हैं वो किस तरह शोकेस करने हैं। मोस्टली इनमें बच्चे ही हैं और ये है कि बट दे आर रेडी टू वॉक ऑन अ रैंप एंड दे आर कॉन्फिडेंट इनफ कि वो शोकेस करें। चलें जी, इवेंट अब ऑलमोस्ट रेडी टू स्टार्ट है और यहाँ पर अनाउंसमेंट्स भी हो रही हैं और इसके बाद मैं आपको इवेंट की हाइलाइट्स दिखाता हूँ। आपने इसमें देखा ट्रक आर्ट को बड़ा ब्यूटीफुली यहाँ पे प्रेजेंट हुआ है और जो फैशन स्टाइलिंग ट्रेंड्स इसमें भी प्रोजेक्शन हुई है। अब इसके बाद टक्सीडो का पार्ट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। टक्सीडो के लिए वही स्टूडेंट्स उन्हीं इंस्ट्रक्टर्स के साथ रेडी हो रहे हैं और यहाँ पर ये बैक स्टेज एक्टिविटी चल रही है। दे आर गेटिंग रेडी और उसके बाद दोबारा आपको रैंप पर नजर आएंगे। टक्सीडो के लिए मेकअप आर्टिस्ट इनको रेडी कर रहे हैं ताकि ये दोबारा रेडी हो और रैंप।
आज के फैशन शो के ऑर्गेनाइजर्स, फैशन डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट्स अब अपनी फाइनली सर्टिफिकेट्स रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट आपको सर्टिफिकेट या डिग्री डिप्लोमा तभी इशू करते हैं जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं। और जो अभी आपको मॉडल रैंप पर नज़र आई हैं, ये उन्हीं का आर्ट वर्क था और अब ये उनको फाइनली सर्टिफिकेट्स मिल रही हैं। और दूसरी साइड पर शेर अफजल वरद भी यहाँ पर मौजूद हैं। और शेर अफजल मरवत भी यहाँ पर स्टेज पर मौजूद है। निफ्टी इंस्टीट्यूट को मैं इसलिए सपोर्ट करता हूँ, ना सिर्फ ये कि ये आपको फैशन डिज़ाइनिंग और कोर्सेज करवाते हैं, मगर उसके बाद जब आप मार्केट में आते हैं तो आपको मार्केट कैपेबल भी बनाते हैं। और इसी से मुझे लगता है कि इन अ रियल सेंस जो वुमेन एम्पावरमेंट है, ये उसी का एक पार्ट है। आज का इवेंट मुझे ये देखकर खुशी हुई है कि एक इंस्टीट्यूट जो फैशन डिज़ाइनिंग पे काम कर रहा है, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को डायरेक्टली इंडस्ट्री के साथ लिंक भी किया है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आप वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें। थैंक्स अ लॉट।